हेलो दोस्तों, आज हम आपको दो बिल्लियाँ और एक बंदर की कहानी सुनाते हैं। दो बिल्लियाँ जिसमें एक का रंग काला और दूसरे का रंग सफ़ेद होता है। दोनों बिल्लियों की आपस में अच्छी दोस्ती होती है। वे सारा दिन एक दूसरे के साथ खेलती हैं और ढेर सारी बातें करती हैं और साथ ही भोजन की तलाश करती हैं। एक दिन दोनों भोजन की तलाश में निकली। बहुत देर इधर उधर भटकने के बाद उनकी नज़र रास्ते पर पड़ी एक रोटी पर पड़ी। एक बिल्ली ने झट से रोटी उठा ली और मुंह में डालने लगी। तब दूसरी बिल्ली उसे टोक कर बोली, अरे तुम अकेले कैसे इस रोटी को खा रही हो? हम दोनों ने साथ में इस रोटी को देखा था, इसलिए हमें इसे बांटकर खाना चाहिए। पहली बिल्ली ने रोटी तोड़कर दूसरी बिल्ली को दिया, लेकिन वह टुकड़ा छोटा था। यह देख उसे बुरा लगा और वह बोली, अरे यह टुकड़ा तो छोटा है, तुम्हें रोटी के बराबर टुकड़े करने चाहिए थे। तुम मेरे साथ बेईमानी कर रही हो। इस बात पर दोनों में बहस होने लगी। बहस इतनी बड़ी कि दोनों लड़ने लगी। उसी समय वहाँ से एक बंदर गुजरा। उन्हें लड़ते देख उसने कारण पूछा। बिल्लियों ने उसे सब कुछ बता दिया। सारी बात जानकर बंदर बोला, अरे इतनी सी बात पर तुम दोनों झगड़ रही हो? मेरे पास एक तराजू है, यदि तुम दोनों चाहो तो मैं ये रोटी तुम दोनों में बराबर बराबर बांट सकता हूँ। बिल्लियाँ तैयार हो गई। बंदर एक तराजू लेकर आ गया। उसने बिल्लियों से रोटी ली और उसे तोड़कर तराजू के दोनों पलड़ों पर रखकर तोलने लगा। भूखी बिल्लियाँ उसे आस भरी नज़रों से देखने लगी। तराजू के पलड़ों पर रखी रोटी के टुकड़ों में से एक टुकड़ा बड़ा और दूसरा टुकड़ा छोटा था, जिससे पलड़ा एक तरफ झुक गया। तब बंदर बोला, अरे ये क्या, एक टुकड़ा दूसरे से बड़ा है, चलो मैं इसे बराबर कर देता हूँ। उसने रोटी के बड़े टुकड़े को थोड़ा सा तोड़ा और अपने मुँह में डाल लिया। अब दूसरा टुकड़ा पहले से बड़ा हो गया। बंदर ने अब उसे थोड़ा सा तोड़ा और अपने मुंह में डाल लिया। फिर तो यही सिलसिला चल पड़ा। रोटी को जो टुकड़ा बड़ा होता वो बराबर करने बंदर उसे तोड़कर खा जाता। ऐसा करते करते रोटी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े रह गए। अब बिल्लियाँ घबरा गई। उन्हें लगने लगा कि ऐसे में उनके हिस्से कुछ नहीं आएगा। वो बोली, बंदर भाई तुम भी क्या परेशान होते हो, लाओ अब हम इसे खुद ही आपस में बांट लेंगी। बंदर बोला, ठीक है, लेकिन अब तक जो मैंने मेहनत की है उसका मेहताना तो लगेगा ना, इसलिए रोटी के ये टुकड़े मेरे। और उसने रोटी के शेष टुकड़े अपने मुंह में डाल लिए और चलता बना। बिल्लियाँ उसे देखकर रह गई। उसने गलती का एहसास हो चुका था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वे समझ गई कि उनकी आपसी फूट का लाभ उठाकर बंदर उन्हें मूर्ख बना गया। उसी समय उन्होंने निर्णय लिया कि अब कभी झगड़ा नहीं करेंगी और प्रेम से रहेंगी। सीख मिलजुल कर रहें, अन्यथा आपसी फूट का फ़ायदा कोई तीसरा उठा सकता है।